हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जिसका। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के बारे में, जो कि रिसेंटली एयरटेल ने लॉन्च किया है, ये सोच करके शायद ये जियो की गीगा टीवी बॉक्स को टक्कर दे पाएगा। तो आज वीडियो में बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और जिस प्राइस में आपको मिल रहा है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स रहेगा या फिर नहीं। साथ में वीडियो के लास्ट में मैं अपने ओपिनियन की भी बात करूंगा कि वास्तव में ये जियो गीगा टीवी बॉक्स को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ओटीटी कंटेंट जितना भी इंटरनेट पर अवेलेबल है वो तो सब देखने को मिलेगा ही, साथ में नॉर्मली जो डीटीएच पर सिग्नल्स के थ्रू जो चैनल्स आते हैं वो भी इस सेट टॉप बॉक्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा जब आप बॉक्स खरीदेंगे। तो वहां पर आपको 1 मंथ का दबंग स्पोर्ट्स पैक साथ में मिल रहा है, साथ में 1 ईयर का एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है फ्री में अगर आप ये बॉक्स खरीदते हैं। नॉर्मली अगर आप एक एयरटेल मोबाइल नंबर यूजर हैं, आप अगर उसमें रिचार्ज कराते हैं 399 रुपीज का, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन उस पर फ्री में मिल जाता है। साथ में ये जो एंड्रॉइड टीवी बॉक्स है ये रन करता है गूगल के एंड्रॉइड टीवी ओएस पर, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 9 पाई पर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर भी मिल जाएगा। काफी सारे जो एप्स हैं एंड्रॉइड टीवी के लिए अवेलेबल हैं, तो आप उन सभी एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं अपने मोबाइल फोन को गेम पैड तरह इस्तेमाल करके। साथ में जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं तो उन सभी के एप्स भी इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स पर सपोर्ट करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, एरोस नाउ या फिर एएलटी बालाजी, G5 और भी काफी सारे कंटेंट पार्टनर्स हैं जिनके एप्स को ये एंड्रॉइड टीवी बॉक्स सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग पार्टनर्स के कंटेंट को देखने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, मतलब इनके लिए भी मेंबरशिप के लिए पे करना होगा। लेकिन YouTube आप एकदम फ्री में देख सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना भी एकदम फ्री है। साथ में बताना चाहूंगा एयरटेल एक्सट्रीम एंड्रॉइड टीवी बॉक्स 4K सपोर्ट के साथ आता है, मतलब कि 4K रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को भी आप इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के जरिए अपने टीवी पर देख सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के साथ एक फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिल रहा है, जहां पर कि एक माइक भी दिया गया है जिसके जरिए आप वॉइस कमांड के जरिए भी टीवी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई दिया गया है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, साथ में यहां पर आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, साथ में क्रोमकास्ट बिल्ट इन भी दिया गया है जिसके लिए आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को टीवी पर कास्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा इस एयरटेल के जियो एक्सट्रीम बॉक्स के जरिए आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो एयरटेल एक्सट्रीम टीवी बॉक्स मिल रहा है 399, मतलब कि 4000 रुपए का, और 4000 रुपए में 1 मंथ का तो दबंग स्पोर्ट्स HD पैक मिल रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है जिसके ऊपर कंटेंट जो है इतना ज्यादा खास नहीं है। पर आपको ध्यान रखना है जितने भी DTH वाले चैनल्स आपको देखने हैं उनके लिए आपको मंथली पैक के लिए अलग से रिचार्ज कराना होगा, ऑनलाइन कंटेंट देखना है तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करना होगा, जैसे कि अमेज़न प्राइम चाहिए तो 999 उसका भी पर ईयर का देना होगा, नेटफ्लिक्स चाहिए तो उसका भी जो पैकेज है करीब 500-600 रुपए के आसपास है टीवी के लिए, और हाँ इतना सारा जो ऑनलाइन कंटेंट है इसको देखने के लिए इंटरनेट आपको ही प्रोवाइड कराना होगा अलग से, उसके भी चार्जेस आपको पे करने होंगे। एयरटेल की तरफ से इस बॉक्स के साथ में कोई एक्स्ट्रा डेटा प्लान या फिर कुछ भी इंटरनेट की सर्विस नहीं मिलने वाली है। तो इतने सारे प्राइजेस वगैरह सब्सक्रिप्शन वगैरह बताने के बाद आपको हो सकता है ये थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, तो सस्ता कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप एक एयरटेल के एग्जिस्टिंग यूजर हैं, मतलब कि एयरटेल डिजिटल टीवी का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और इस एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में अगर आप अपग्रेड करते हैं तो 2249 रुपए देने होंगे, तो अब हो सकता है शायद आपको ये ठीक लग रहा होगा, लेकिन बाकी सारे सब्सक्रिप्शन को भी जरूर से ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर एक और डिवाइस लॉन्च किया है एयरटेल ने, एयरटेल एक्सट्रीम स्मार्ट स्टिक, और ये भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको मिलेगी, मतलब कि 399 4000 रुपए में, और वैसे इसमें आपको सारी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे जैसे कि एयरटेल के एक्सट्रीम एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सैटेलाइट के चैनल्स देखने को नहीं मिलेंगे जो नॉर्मली आप DTH में रिचार्जेस वगैरह कराते हैं वो नहीं करा पाएंगे एयरटेल की स्मार्ट स्टिक में। सो ये तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आपको इसी तरह का कोई भी डिवाइस खरीदना है तो अमेजोन की फायर स्टिक खरीद सकते हैं जो कि 4K में अवेलेबल है। बाकी आपकी क्या राय है, 4000 रुपए के प्राइस में आप इन दोनों ही डिवाइसेस में से कोई सा भी डिवाइस खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएगा। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इसको जियो के गीगा टीवी बॉक्स के साथ में, ये टक्कर दे पाएगा कि नहीं। तो जियो गीगा टीवी बॉक्स तो एक नेक्स्ट लेवल चीज है, बिकॉज वहां पर आपको केवल जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन लेना होगा और वहां पर एक अलग ही
दुनिया क्रिएट हो जाती है एंटरटेनमेंट की। पहले तो वहां पर आपको कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा ही देखने को मिलने वाला है, जैसे कि जियो सिनेमा, जियो टीवी पर जितने भी चैनल्स मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम चैनल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पर जो आपको चैनल्स मिलते हैं वो काफी लिमिटेड है। सो एयरटेल का अगर आप बॉक्स लेते हैं तो सैटेलाइट चैनल्स के लिए आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन लिया तो वहां पर जो मिनिमम प्लान है 700 रुपए का है, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाता है, जहां पर कि आपको अलग अलग स्पीड और डेटा प्लान देखने को मिलेंगे जिसके हिसाब से प्राइस को कैटेगराइज किया जाएगा। अभी के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से यहाँ पर काफी अलग ही फील मिलने वाला है इस जियो गीगा टीवी बॉक्स के साथ में, बिकॉज वहां पर आपको वीडियो कॉलिंग भी मिल जाएगी टीवी के थ्रू, साथ में यहाँ पर हो सकता है जियो गीगा टीवी बॉक्स आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई भी प्लान लेते हैं। अभी तक जो भी प्राइस निकल कर आया है वो है केवल 4,500 रुपए, जो कि रिफंडेबल डिपॉजिट होगा। जब तक आप कनेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो डिपॉजिट रहेंगे, कनेक्शन जब बंद करेंगे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। साथ में जियो गीगा फाइबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलने वाली है, बिकॉज वहां पर एक घर वाला जो फोन होता है उसका कनेक्शन भी ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं। साथ में उन्होंने बताया कि वहां पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा आपका कंसोल लेवल का होगा, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग आप कर पाएंगे। इतने सारे जो ऑनलाइन कॉन्टेंट है इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेंबरशिप पेमेंट वगैरह नहीं करना होगा, सारा ही ऑलमोस्ट फ्री में देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर आपको इंटरनेट के लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, एक बार आपने जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन लिया और जितने भी IoT डिवाइसेस हैं आप सभी को उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, और स्पीड भी जो है 100 Mbps से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये टक्कर दे सकता है जियो के गीगा टीवी बॉक्स को, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। वैसे जियो गीगा फाइबर की जो बुकिंग है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है ऑल मेजर सिटीज में, इसके बाद धीरे धीरे और भी सिटीज में अवेलेबल हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है, आप खरीदना पसंद करेंगे एयरटेल का एक्सट्रीम एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर वेट करना चाहेंगे जियो गीगा टीवी बॉक्स का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी काफी सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने इसी चैनल पर काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपलोड करता रहता हूं, तो जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी आपका कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।